हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? तो मेरी आवाज़ जा रही है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बता दें कि हाँ, आप प्रॉपर आवाज़ मिल रही है आप लोग को। अगर आवाज़ मिल रही होगी तो ताकि मैं चीज़ों को स्टार्ट कर पाऊँ प्रॉपर, ताकि यहाँ मैं समझूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। आवाज़ आ रही तो आप चैट बॉक्स में लिख दें यस सर क्लियर, या यस सर या क्लियर कुछ भी लिखे, ठीक है? जा रही आवाज, क्लियर है? ठीक है, चले। तो हम लोग इस जो वन वीक का क्लास है उसमें हम लोग आज डे थर्ड है, तीसरा दिन है, और अभी भी हम लोग आरबीसी के अंदर, क्योंकि आरबीसी काफी बड़ा भी होता है और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी है। तो लास्ट टू क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीखेंगे। मैं बार बार कहूंगा ये क्लास स्पेशली मैं प्रैक्टिस करने वालों के लिए, जो लैब में है या जो पेशेंट्स देखते हैं, उन दोनों को एक्सपेक्ट करके मैं क्लास को बनाया हूँ, और थ्योरी की चीज़ें कम और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा इसके अंदर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ऑन प्रैक्टिस चीज़ों को देखने को मिले, है ना। साथ साथ अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें, जब हम लोग एग्जैक्ट चीज़ों पर जाते हैं, आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली जनरली हम और आप एक चीज को जानते हैं, बेसिकली मैं कल भी बात कर रहा था, कई क्लास पहले ही बात किया था। तो ये जो क्लास है वो थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि जो आरबीसीज है, नॉर्मली हम लोग आरबीसीज को अगर देखते हैं तो आरबीसीज का जो शेप होता है वो इस तरह का दिख रहा है आपको, बाइकनकेव बोलते हैं, या फिर इसको हम डम्बल शेपेड बोलते हैं या डिस्क शेपेड बोलते हैं, ये सब क्या आरबीसी का शेप होता है। अब आरबीसी का जो शेप है ये नॉर्मल शेप देखने को मिल रहा है आपके पास यहाँ पर, बट अब इसी शेप के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज है, जो मल्टीपल टाइप का, मतलब कि सपोज ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये एक शेप दिख रहा है, ये एक डिस्क शेप है ना, और इसी को जब हम लोग यहाँ से ऐसे इस तरह से कट करें, सपोज ये आरबीसी है और यहाँ पे ऐसे कट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा शेप, है ना, कोई डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर है, कट करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर या ये जो डंबल शेपेड स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों में अगर बात की जाए तो जो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं बार बार बताता हूँ, हीमोग्लोबिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली पेरिफेरल एरिया, जो ये पेरिफेरल एरिया कह सकते हैं, सेल का पेरिफेरल पार्ट है, यहाँ पे ज्यादा है, और डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें ये एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। हीमोग्लोबिन ये पिंक में लेता हूँ तो ये कलर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। तो पेरिफेरल में कम ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन, और सेंट्रल में हीमोग्लोबिन थिन या कम के बराबर, नहीं के बराबर होता लगभग। तो सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है और पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। इस चीज को एक नॉर्मली आप लोग याद करके रखेंगे, क्योंकि आगे जो मैं चीजें अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। ये वर्ड का एक वर्ड जो है इसमें, इस वर्ड का काफी ज्यादा रोल है। अब जो टॉपिक हम लोगों का आज स्टार्ट होगा, जिसको हमने यहाँ पर जिसकी जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है ना, पाइक्लोसाइटोसिस, है ना, पाइक्लोसाइटोसिस। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, है ना, यहाँ पर कई बुक्स में आप देखोगे तो अलग अलग स्पेलिंग है, दोनों सही है, एक पी ओ आई सी एच वाई ये भी करेक्ट है, और दूसरा एक हम लोग देखेंगे पी ओ आई और के आई एलओ, है ना, तो एलओ, है ना। तो पाइक्लोसाइटोसिस या पाइक्लोसाइटोसिस दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक होता, एक तरह का ग्रीक वर्ड है ना, पाइक्लोस, वाई क्लोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब वेरिएशंस होता है, क्या होता है, वेरिएशन, बदलाव, चीजें बदलना, है ना। तो यहां पर बेसिकली नाम ही है ना, पाइक्लोसाइटोसिस, दैट मींस पाइक्लोसाइटोसिस दैट मींस द वेरिएशंस इन सेल। अब क्या बदलाव, किस चीज का वेरिएशन, इस पे हम लोग आते हैं, क्या सेल के अंदर की वॉल्यूम का वेरिएशन, क्या सेल के शेप का वेरिएशन, सेल के साइज का वेरिएशन, है ना, जो आरबीसीज यहां पर। तो ये पाइक्लोसाइटोसिस, अब इसका डेफिनेशन करके मैंने यहां पर आपको, मैं बार बार बताया कि ये मैंने व्हाट इज करके आपके हर नोट में हर डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रखा है आप लोगों के लिए, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जस्ट यहां पर दूसरा स्पेलिंग में लिख दिया था ताकि आप लोगों को दोनों स्पेलिंग करेक्ट लगे ना, पाइक्लोसाइटोसिस इज द टर्म, एक टर्म है बेसिकली कह सकते हैं, जिसका यूज हम लोग, जो बताता है, डिस्क्राइब करता है presence of red blood cell with a distorted shape compartment to the normal red blood cell। यानी हमने बोला कि भाई
आप सबको पता है कि आरबीसी का जो शेप है वो डिस्क शेप पर है, अभी मैं बार बार करूं, बाइकनकेव है, तो ये अपने शेप पे मेंटेन नहीं रहे, अपने इनके शेप में बदलाव आ जाए, कई रीजन है क्या कारण सब मैं अभी एक एक शेप की बात करूंगा। जब हम लोग ये माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, जब हमारा पास एक तरह का कंप्लीटली यानी कि मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है यहाँ पर, कि बाइकनकेव इज अ नॉर्मल बट कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, तो कभी हम देखेंगे कि एलिप्सॉइड हो जाएगा, कभी हम देखेंगे कि फुटबॉल की तरह हो जाएगा, कभी देखेंगे सिकल सेल की तरह हो जाएगा, कभी देखेंगे मेम्ब्रेन के अंदर स्पाइक इरेगुलरिटीज आ जाएगी, तो अलग अलग सेल, कभी हम देखेंगे सेल के टुकड़े, बाइट्स, टारगेट बाइट सेल जिसको हम लोग बोलते, तो अलग बहुत सारे बीमारी हैं जिसमें आरबीसी का शेप जो है वो बदलता रहता है, जिससे कि हम लोग जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स देखेंगे, स्लाइड हमें बन के मिलेगा, या हमारे पास ऐसा कमेंट करके आ गया कि ये सिकल सेल्स है या स्फेरोसाइट, तो हमें समझ में आना चाहिए अच्छा ये ऐसा है, तो ऐसा बीमारी में होता है। तो एज हम बात करें, हमें खुद रिपोर्ट देखना हो या फिर हमें रूस रिपोर्ट बनाना हो या हमें कुछ माइक्रोस्कोप पे देखना हो, तो सब में कहीं ना कहीं ये आपका यूटिलाइज होने वाली चीज है। तो नॉर्मली आप समझ गए आप लोग, पाइक्लोसाइटोसिस जो है, पाइक्लोसाइटोसिस जो है, इसका मतलब है कि वेरिएशन इन अ शेप ऑफ आरबीसी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक अगर क्लियर है तो आप क्लियर लिख दे, है ना, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं अब, है ना, तो क्लियर है सबको? चले ठीक। अब यहां पर एक चीज देखो, है ना, मैं इस नोट्स में भी आपको लिख के दिया हूं, जिन लोगों को मैं लगभग जिन लोगों ने मैसेज किया था, मैं लास्ट दो क्लास का सबको नोट्स भेज दिया हूं, जिन लोगों को नहीं मिला आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर लेना, नोट्स मिल जाएगा सबको, ताकि आपको रिवाइज करके आने में अच्छा लगेगा। अब यहां पर जैसे क्या कि नॉर्मल सेल्स की बात अगर करें, अभी बताया बाइकनकेव होता, बाइकनकेव डिस्क शेप्ड, है ना, विद अ क्लियर सेंटर रीजन हॉलो। जैसे आप लोग अगर बहुत नोटिस करेंगे यहां पर, तो ये जो हमारे पास सेल है ना, ये जो सेल है ये अब एक माइक्रोस्कोपिक सेल है। अब यहां पर ये आरबीसी है, लेकिन इसमें अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आरबीसी साइड साइड में ज्यादा डीप लग रहा होगा, और बीच का कलर, इसके सेंटर का जो कलर है, सेंटर का जो कलर है वो हल्का लग रहा होगा, क्योंकि इस वजह से है कि पेरीफेरी में हीमोग्लोबिन ज्यादा है और सेंट्रल हॉलो, मतलब कि वो फीका कलर का लगा, ऐसा लगे कि बीच में आर पाड़ है, ऐसा लगे कि साइड वाला एरिया जो है वो पूरी तरह से हीमोग्लोबिन की वजह से कंसर्ट, ये क्या कहते हैं, जो डीप कलर शो करता है, और सेंट्रल में बताया कि हीमोग्लोबिन कम होता तो बीच का कलर ट्रांसपेरेंट लाइक बेसिकली यहां पर इस इमेज में आपको देखने को, ऐसा जो अपीयरेंस आएगा जब भी कभी आपके माइक्रोस्कोप पे, तो दैट इज अ नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, दैट इज अ नॉर्मल शेप। अब इससे अलग वेरिएशन होना जैसे ही शुरू होने लगेगा, अगर आपको दिख रहा होगा, इससे वेरिएशन होना जैसे ही अलग शुरू होगा, तो हम लोग ये समझने लगेंगे कि अब आरबीसी अपने नॉर्मल जो शेप है उसको वो मेंटेन नहीं कर रही है, दैट मींस कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी चल रहा होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला सेल्स यहां पर देखते हैं हम लोग, फर्स्ट सेल अगर देखते हैं, तो एक पहला टर्म जो है हमारा यहां पर, जिसमें हम लोग अगर बात करें ना, फर्स्ट कोडोसाइट्स, देखो मैं लिखा भी वहां पे कोडोसाइट्स, जैसे वन। अब हम लोग टाइप ऑफ पाइक्लोसाइटोसिस की अगर हम लोग बात करें, है ना, जो आरबीसी के अलग अलग शेप के जो एबनॉर्मलिटी है, उसमें पहला मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कोडोसाइट्स। अब कोडोसाइट मतलब क्या है, यहां कह रहा है कि सिनोनिम्स है, जैसे कि ब्लैंक इरिथ्रोसाइट, है ना, कि भाई कोडोसाइट का मतलब ऐसा है कि अभी हमने बोला कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से भरा हुआ है, जिसकी वजह से सेंट्रली थोड़ा सा कम है तो लाइट दिखता है, पेरिफेरी में डीप दिखता है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये ब्लैंक है, खाली आरबीसी। आप अगर यहां पर देखने की कोशिश करो तो ये देखो, ये मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, अभी जो दिखा रहा था और ये दिखा रहा, इसमें आपको काफी फर्क लग रहा होगा। पहले मैं बाहर इसके इमेज कुछ मैं बना देता हूं तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक हैंडमेड इमेज डायग्राम बनाता हूं कि सपोज ये आरबीसी है, अगर आपको दिख रहा होगा, सपोज मान लो आप ये आरबीसी है, एक नॉर्मल आरबीसी है, ये यहां पर नॉर्मल आरबीसी, तो नॉर्मल आरबीसी में पेरीफेरी जो है उसमें जो कलर होगा वो ज्यादा होगा, और सेंटर में कलर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, मैं अभी बार बार कह रहा हूं, है ना, सेंटर में थोड़ा कम होगा। अब कोडोसाइट्स में क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा कुछ कि पेरीफेरली भी थोड़ा सा आ जाएगा, कम जाएगा, और थोड़ा वो सेंटर में डेंस बढ़ जाएगा। अब देखो ये ऐसा सेल दिख रहा है यहां पर, ये एक एक सेल को देखो,
तो ये जो सेल हो गया ऐसा लग रहा है कि साइड में पेरिफेरी जो फुल ऑफ हीमोग्लोबिन होता था वो खाली होगा, दैट मींस एम्प्टी ब्लैंक आरबीसी। तो ऐसा अगर अपीयरेंस आ रहा है, अगर एक एक सेल देखो, जैसे यहां पर ये एक सेल ये दिख रहा होगा, ये सेल का बहुत मैं मार्क कर दे रहा हूं, अभी मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि आपको ये ब्लैक वाला मार्क के अंदर मैं जिस जिस सेल को ले रहा उसको आप देखना, ये सेल देख लो है ना, यहां पर ये सेल देख लो आप है ना, एरो लगा हुआ बाकी सब सेल पे है ना, यहां पर ये सेल देख लो। तो इन सारे जगह पर ऐसा लग रहा है कि आरबीसी खाली है। तो ऐसा अगर अपीयरेंस रखना तो आपको समझ लेना कि ये कोडोसाइट्स है। क्या है? कोडोसाइट्स। अब बात ये करें होता है कोडोसाइट्स का, ये तो समझ में आ गया कैसा दिखेगा, ये सी डबल लगा एक्चुअली दे हैव अ डबल बाइकनकेव, यानी कि एक बाइकनकेव में डबल बाइकनकेविटी हो जाती है जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके इसमें हम लोग देखे कि भी हो क्यों रहा भाई है ना, तो कह रहा है हीमोग्लोबिन इन द पेरिफेरी एंड सेंट्रल पार्ट। यहां पर क्या हो चुका है कि इस कंडीशन में कोडोसाइट में हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रली भी आ गया है ज्यादा और पेरिफेरी में थोड़ा तो है ही, तो जिसके वजह से ये थोड़ा सा विजन जो है इमेजेस जो है माइक्रोस्कोपिकली चेंज हो जाता है। अब ये होने का जो रीजन है काउज बाय द कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन और लॉस द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, कि अगर किसी को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ, तो हम सबको पता कि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है वो हम क्या है भाई, कोई भी सेल का मेम्ब्रेन जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो लिपोफिलिक होता है, लिपिड्स को आसानी से वो अपने अंदर क्रॉस करने को दे सकता है। तो जिसके वजह से ये कह रहा है कि अगर एक्सेसिव बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा क्या, अगर एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि इसके जो मेम्ब्रेन के पास आता है लूज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा सेल के अंदर, इंट्रेट भी कर, तो इंटरनल कंटेंट को ये तेने डिस्टर्ब करेगा, जिसके इंटरनल कंटेंट मेनली क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब कर दिया। अब इसलिए दिखना उसका जो पिक्चर है वो कंप्लीट चेंज हो गया, ये चीज हो गई। अब बात ये करते हैं कि ये भैया ये कौन सी बीमारी में एक्चुअल में कब देखने को मिलेगा ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एसोसिएटेड डिजीज, यानी ये शेप मिला। देखो यहां आ गए हम लोग डायग्नोसिस पे, कभी आपको कोई लिख दे कोडोसाइटोसिस, मेरे पास रिपोर्ट आया भाई कोडोसाइट, व्हाट इज कोडोसाइटोसिस, तो आपको समझे कोडोसाइटिस कमेंट आ रहा किसी पैथोलॉजिस्ट के पास से है ना, लैब एक्सपर्ट्स के पास से आपके पास आ रहा, तो एज अ डॉक्टर आपको देख समझना या तो क्या क्या डिजीज उसके सोच सकते हम लोग वहां पर, हीमोग्लोबिनोपैथीज, यानी कि हीमोग्लोबिन में कोई कोई हो सकता है कि एबनॉर्मलिटी हो गई हो, ठीक है, थैलेसेमिया में देखने को मिल सकता है, लिवर्स डिजीज के अंदर में देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देखो ये बड़ा कॉमन भी मिलेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलेगा, उसके बाद स्प्लीनेक्टोमाइज्ड पेशेंट्स, यानी कि वो पेशेंट जिसमें स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया बॉडी से, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं वैसे कंडीशन में स्प्लीन को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं बॉडी से बाहर, तो ये सारे कंडीशंस है, इन सारे कंडीशन में हम ये देखेंगे जो आरबीसी का जो शेप है वो कोडोसाइट्स हो जाएगा, यानी कि वो डबल बाइकनकेव हो जाएगा, सिंगल नहीं डबल बाइकनकेव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज देखने में। तो पहला हमने पाइक्लोसाइटोसिस का जो कंसर्न ड्रॉप एक फर्स्ट आरबीसी के शेप किया, नॉटिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, यहां तक क्लियर है, फटाफट आप लोग क्लियर लिखते चलो, देखो आप लोग क्लियर चीजों को लिखते चलोगे तो मुझे भी समझ में आया, क्योंकि आप सामने तो हो नहीं तो मुझे समझ में आना चाहिए, हाँ चल रहा है चीजें आपके साथ साथ चल रहा है जो आपको समझ में आ रही है ना, चलो ठीक है क्लियर। साइटोप्लाज्मिक क्या, साइटोप्लाज्मिक सिर्फ क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक क्या आप ये बताएंगे कि जब भी देखिए, इसीलिए मैं जब एक लाइन कंप्लीट लिखे क्वेश्चन का, अब साइटोप्लाज्मिक तो जनरली जो हम लोग देखते हैं, हाँ व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक, देखो व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक कहने मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एक सेल है सपोज, अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होता है, तो उस ऑर्गेनल क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है, हम लोग कहते हैं दिस आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है ना, जैसे एक सेल है सपोज नॉर्मल सेल की मैं समझाता हूँ आपको, नॉर्मल सेल है कोई, तो नॉर्मल सेल में अगर हम लोग बात करें कि आपके पास सपोज उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो दिस ऑल आर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना, तो यही होता है कि इस कोलेस्ट्रॉल से एक्सेसिव होने की वजह से यहाँ पर जो आपको दिख रहा था है ना, यहाँ पे लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो साइट अब
आरबीसी के पास क्या हीमोग्लोबिन है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, तो वो कंटेंट लॉस होने लगा, कहीं के डिस्टर्ब होने लगा, तो वो पिक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, चलो अब होता है दूसरा जो कंडीशन है, हम लोग अगर बात करें यहां पर है ना, दूसरा देखते हैं पाइक्लोसाइटोसिस के अंदर में, यानी एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी के अंदर में, तो एस्फेरोसाइटोसिस, देखो ये नाम में भी क्लियर है एस्फेरोसाइटोसिस है ना, एस्फेर, एस्फेर मतलब फुटबॉल, फुटबॉल का जो शेप है स्फेरिकल शेप हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि दे रिड्यूस द बायकनकेविटी, अब यहां पर सेल क्या करता है कि अपने बायकनकेविटी को रिड्यूस कर देता है। नॉर्मल सेल मैं बताया था आपको कि बायकन की वैसा होता है, अब जैसे ही एस्फेरोसाइटोसिस होगा ये चीज खत्म होगा, ये चीज जो बायकनकेविटी था ये खत्म हो गया, और ये खत्म होकर के सेल कुछ ऐसा बन गया, गोल गोल सा बन गया ना, सीधा गोल गोल, तो एस्फेरोसाइटोसिस का कंडीशन इसको हम लोग बोलेंगे ना। अब ऐसे ही कंडीशन में तुम खुद सोचो कि ये कंडीशन जब होगा, तो पहले ये कंडीशन होने के लिए जब नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी जो है बायकनकेव रहता, तो मैंने कई बार बताया भी कि इसके बीच में प्रोटीन होता है, स्पेक्ट्रीन है, एक्टिन है ना, तो ये अलग अलग प्रोटीन जो इसको खींच के रखता है। अब जेनेटिकली ये प्रोटीन नहीं होता किसी कारणवश, तो ये इसके वजह से ये शेप मेंटेन नहीं करता और बायकनकेव स्फेरोसाइट में बदल जाता है। तो पहला चीज आ गया denser and smaller, ये basically dense हो जाता और smaller हो जाता, ठीक? And lose the central hollow in the visualization. अब थोड़ा बहुत भी जो बीच में हीमोग्लोबिन होता था, अब जैसे फुटबॉल तरह का बनेगा तो सेंट्रल का जो हीमोग्लोबिन है समझ ली वो रिप्लेस्ड होकर के पेरीफेरी की तरफ चला गया, तो बीच में एकदम खाली खाली लगेगा, एकदम खाली खाली लगेगा। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे एस्फेरोसाइटोसिस के अंदर में, तो ये देखने को मिलेगा, सॉरी बीच में खाली नहीं लगेगा, कंप्लीट क्या हुआ कि एक मिनट समझ लो कि जैसे पहले थोड़ा बहुत साइड साइड में था, तो अब जैसे ही क्या कहते हैं कि बायकनकेविटी लॉस किया तो पूरा फुटबॉल बन गया, तो यानी कि पूरे आरबीसी का हीमोग्लोबिन एकदम एक जगह पे आ गया, घूमने लगा चारों तरफ, तो सेंटर पेरिफेरी में ज्यादा था, सेंटर में कम था, अब शेप खत्म हुआ तो सब मिक्स्ड हो गया एक तरह समझो, एक तरह का, तो बीचों बीच पूरा का पूरा आ गया। तो इस वजह से यहां पर हम लोग जो देखते जो सेंट्रल हॉलो नॉर्मली देखने को मिलता है, नॉर्मल आरबीसी में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल में हॉलो देखने को मिलता है, ये ऐसा स्पेस है ना, मैं भी दिखाया था, ये ऐसा स्पेस देखने को मिलेगा क्योंकि कम होता है। अब एस्फेरोसाइटिस जैसा होगा खत्म, जैसे ये सेल देखो आप, इस सेल के अंदर नहीं दिख रहा होगा, ये सेल देखो इसके अंदर भी नहीं दिख रहा होगा, तो सेंट्रल हॉलो का जो फीचर्स है सेंट्रली, जो ये फीचर जो आरबीसी के नॉर्मल में दिखेगा वो फीचर अब एस्फेरोसाइटोसिस में नहीं, तो ऐसा अगर नहीं दिखेगा तो आपको समझ लेना क्या हो गया भाई, एस्फेरोसाइटोसिस हो चुका है। और अब ये किस किस बीमारी में एसोसिएट रहेगा, तो भैया एक सीधा सा याद रखो, मोस्ट कॉमनली हम लोग कहते हैं जेनेटिकली हेरिडिटरी, बेसिकली कहते हैं जेनेटिकली डिफेक्ट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन्स है उसके मेम्ब्रेनस प्रोटीन है उसमें जेनेटिकली डिफेक्ट है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, बाय बर्थ देखने को मिलेगा है ना, या फिर किसी तरह का ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होता है तो है ना, किसी ऑटोइम्यून की वजह से आरबीसी बहुत ज्यादा एकदम तेजी में टूटने लगता है तो है ना। उसके बाद हम देखते हैं पाइरुवेटोकाइनेस डिफिशियंसी, पाइरुवेटोकाइनेस एंजाइम से जो इंपोर्टेंट होता है इसके लिए, तो उसमें डिफिशियंसी आ गई, तो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, अगर न्यूबॉर्न के अंदर में कोई ऐसा जैसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस बहुत ज्यादा अगर होने लगा, तो किसी कारण से न्यूबॉर्न जो न्यूबॉर्न बेबी है उसे हीमोलाइटिक होगा, तो एस्फेरोसाइटिस देखने को मिलेगा। चलिए तो दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आते तीसरा क्या चीज है भाई देखते, तो यहाँ पे थर्ड वन पाइक्लोसाइटोसिस के अंदर में देखते हैं, जो थर्ड वन है कहता है कि इलिप्टोसाइट्स या ओवेलोसाइट्स, इलिप्टोसाइट्स या ओवेलोसाइट्स, चलो ठीक है, इलिप्टोसाइट्स या ओवेलोसाइट। अब हम सबको पता ना जो इलिप्सॉइड सेपरेट हम लोग यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर ये जो शेप होता है दिस इज इलिप्टोइड सेपरेट है ना, इसलिए इसको बोलते इलिप्टोसाइट्स, या इसी को हम लोग ओवल शेपरेट ही बोलते हैं, इलिप्सॉइड्स बोल सकते हैं या ओवल सेपरेट बोल सकते हैं। तो आरबीसी कुछ इस तरह का बन जाएगा तब, अब ये इस तरह का बन जाए इलिप्टॉइड मतलब इलोंगेटेड शेपरेट हो जाएगा, यानी आरबीसी क्या हो जाएगा इलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं इलिप्टोसाइट या ओवल, ओवल शेपरेट हो जाएगा, इसी को ओवेलोसाइट भी बोलते हैं, यानी ओवल शेप्ड हो जाएगा। कॉज बाय द जेनेटिक डिफेक्ट इन द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन वही जो बेसिकली साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब का जो कोई भी स्ट्रक्चर, तो वो सारे प्रोटीनस जो कहीं ना कहीं हर सेल के अंदर एक तरह का प्रोटीनस फिलामेंट्स होता है सेल्स के अंदर में, जो कहीं ना कहीं उस सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते, तो उसमें अगर किसी तरह का लॉस हो रहा
तो जेनेटिकली कह रहा है डिफेक्ट, यानी कि जेनेटिकली कोई डिफेक्ट उस साइटोस्केलेटन में हो गया, कोई जीन है वो जो प्रोटीन बना रहा था वो म्यूट हो गया, वो प्रोटीन नहीं बना, साइटोस्केलेटन नहीं आया, तो ये शेप मेंटेन बाइकनकेव नहीं रहेगा, एलिप्सॉइड हो जाएगा और ये देखने को मिलेगा। तो ये भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में आ जाएगा एक तरह का देखने। अब ये बेसिकली कुछ डिजीज में और देखने को मिलता है, तो जैसे थैलेसेमिया ऑलरेडी हमको पता है देखने को मिलेगा, थैलेसेमिया में मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसमें भी ये देखने को मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वहां पर भी देखने को मिलेगा, और एक कॉमन जो नाम ही है इसका हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस वहां पर भी ये देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ये भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चले अब हम लोग चलते आगे। एक चीज अगर यहां पर देखें तो फिर से अब एक टर्म आ रहा है यहां पर एक नया, क्या कहते हैं पाइक्लोसाइटोसिस के अंदर में, है ना, पाइक्लोसाइटोसिस के अंदर में नया टर्म आ रहा है जिसको बोलते हैं एकेंथोसाइट्स, एकेंथोसाइट्स। अब इसका क्या मतलब है यहां पर भी कोई एबनॉर्मल इसमें होगा क्या? अब यहां पर आरबीसी सपोज हमें फॉर इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग हम गोल ले रहे हैं, एक सेल होता है जनरली, तो आरबीसी मान लो ये सेल गोल है, कह रहा कि इसका जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन इरेगुलर हो जाता है विद इरेगुलर स्पाइन। देखो दो चीज आगे मैं बताऊंगा भी कि सपोज जैसे मैं बता रहा हूं कि कोई भी सेल है आरबीसी का मेम्ब्रेन है वो इस तरह से स्पाइन निकल गया, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, कोई बहुत बड़ा कोई फिर मिडिल का, इस तरह से जो सेल था उसमें ये बदलाव आ गया, ये चीज होगी। एक और भी पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं सेल्स का, दूसरा एक एबनॉर्मल स्टेटस हम बता सकते हैं सेल में कि ये, एक मिनट थोड़ा आसान रहेगा, देखो तो यहां पर एक्चुअली मैं समझाने का कोशिश, ऐसे छोड़ दो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कर लेते हैं हम लोग लगभग बराबर बराबर बराबर, बराबर। हाँ, और इसको भी हटा करके थोड़ा सा ये कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर ये कह रहा है मेम्ब्रेन फोल्ड कर जाएगा, मेम्ब्रेन क्या कर जाएगा फोल्ड। अब यहां जो है मेम्ब्रेन के ऊपर हम इरेगुलरिटीज जो है वो इरेगुलर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा, कोई बड़ा है कोई छोटा है, क्लियर है। यहां पर लगभग मान लो कि सब जो इरेगुलरिटी है वो एक साइज का है, सबका साइज बराबर है, तो सेल मेम्ब्रेन यहां पे भी इरेगुलर है यहां पे भी इरेगुलर है, लेकिन जो ये कंडीशन है एकेंथोसाइटोसिस या एकेंथोसाइट्स कह सकते हैं वो कंडीशन है जिस टाइम में सेल मेम्ब्रेन इरेगुलर होगा, सेल मेम्ब्रेन का जो स्पाइन की तरह निकला हुआ रहेगा इरेगुलर होगा, और ये जो क्या कहते हैं स्पाइन जो निकला इरेगुलरिटी कोई बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा इस तरह से होगा, एक साइज का सब नहीं होगा, एक साइज का हो सब वो अलग कंडीशन में आगे बताऊंगा अभी, तो अभी याद रखना एकेंथोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन के अंदर समझो तरह के स्पाइनस प्रोसेस की तरह से निकल जाता है, जो स्पाइन कोई बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा छोटा होगा इस तरह से। अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन के एक पिक्चर्स को मैं अभी दिखाऊंगा आपको, है ना, अगर आप देखेंगे भी तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो तो ये चीज हमें एकेंथोसाइटोसिस इज द कंडीशन इन विच द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी इज इरेगुलर हो जाएगा, यानी उसके स्पाइन जो है वो इरेगुलर देखने को मिले, दे कैन बी आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स बेसिकली बना, आपको आर्टिफैक्ट समझो कोई प्रॉब्लम करेगा और चीजों को फाइंड आउट कराने में, ठीक है। अब ये एसोसिएट हो सकता है किसमें, तो लिवर डिजीज में देखने को मिलता है, स्प्लेनिक स्ट्रेंथ अगर कम नहीं लगा डिक्रीज स्प्लेनिक उसमें देखने को मिलता है, स्प्लेनेक्टोमाइज मतलब स्प्लेन कट करके आप रिमूव कर देते हो तब देखने को मिलेगा, ना माइलोडिस्प्लेसिया जो कल में मैं बात करता था एसोसाइट कैंसरस स्टेज है उसमें भी देखने को मिले, ये सारे कंडीशन में आपको एकेंथोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर शेप देखो, अगर आप सही से देखोगे तो जहां जहां एरो लगा हुआ है आप इसको अच्छे से देखना एकदम बहुत क्लियर कट देखो, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि तुम देखो कि आरबीसी जैसे इस सेल के अंदर देखो स्पाइन निकला हुआ, कोई बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा मैं छोटा, मैं नोट दूंगा तो अपने मोबाइल में अच्छे से जूम करके देख लेना बहुत और अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ पे भी चीज समझ में आ रही है, यहीं पे देख लो इस तरह के इसमें देख लो स्पाइन बड़ा छोटा निकला हुआ, तो कुछ इस तरह के स्पाइन सीस वगैरह निकला हुआ, ये सब देखो अलग अलग शेप हो रहा है और अलग अलग बीमारी में हो रहा है, तो इसलिए हर जब आपके पास रिपोर्ट आ रहा है तो कौन सा, अब ये टर्म्स सब लिखा हुआ मिलेगा तो बड़ा दिमाग से ऊपर से जा रहा होता, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जो भी रिपोर्ट आपके पास आप पेशेंट देख रहे हो या आप रिपोर्ट्स बना रहे हो लैब में अभी आज न्यूली ज्वाइन करो तो देख के हर बराना नहीं, आप तो अच्छा इसका मतलब ये और ये कंडीशन में ये देखने को
मिल सकता है ना। चले तो ये चीज हो गए एकेंथोसाइटोसिस। अब उसके बाद हम लोग आते नेक्स्ट टाइप में है ना, स्टोमेटोसाइट्स। स्टोमेटोसाइट्स क्या भाई, इस चीज को हम लोग समझे। नाम ये स्टोमे, यानी कि स्टोमेटाइटिस अगर आपने नाम सुना होगा, इन्फ्लामेशन इज माउथ, तो यहां पे जो वर्ड स्टोमेटाइज का मतलब ही होता है माउथ। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, देखो कि इसमें जो आरबीसी का शेप होगा, बेसिकली हम लोग देखते हैं वो जो अभी हमने बताया था कि आरबीसी का जो सेंट्रल पार्ट है, अभी मैं आपको बताना कि जो आरबीसी का सेंट्रल पार्ट है नॉर्मली वो कैसा दिखता है, नॉर्मल में कैसा दिखता है, फुल दिखेगा या खाली दिखेगा, हॉलो दिखेगा, जल्दी बताना जरा। सेंट्रल पार्ट वो पूरा फुल दिखेगा या पार्शली रहेगा, मतलब कि खाली रहेगा, जल्दी बताओ। आरबीसी के सेंट्रल में, नॉर्मल आरबीसी में जो सेंट्रल है वो हॉलो रहेगा या ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन रहेगा, कंप्लीट एकदम डेंस, कंप्लीट कुछ आर पार नहीं दिखाई देगा। सारा आंसर जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, तब तो पता चले आप लोग कर भी रहे, मैं बार बार कर रहा। कैसा दिखेगा कोई बताने रो जी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहो क्लास के अंदर में, तब तो पता चलेगा कि हाँ क्या चल रहा, नहीं चल रहा है, इधर इसमें नहीं आ रहा। चलो ठीक है, जो भी आंसर है मैं बताता हूँ ना। तो नॉर्मली सेल में बीच में हॉलो दिखता है, अब यहाँ पे भी बीच का जो हॉलो का सिस्टम है ये रहेगा, ये खाली अभी भी रहेगा, लेकिन वहां गोल गोल दिखता था। यहाँ पर ये जो शेप दिखेगा वो मछली के मुंह की तरह दिखेगा, मछली के द फिश माउथ ऑफ बेसिकली कह सकते फिश है ना। तो कह रहा सेंट्रल हॉलो जो है सिमिलर टू फिश माउथ, किसमें, स्टोमेटोसाइट्स के अंदर में, सिमिलर टू फिश माउथ के अंदर में दिखेगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो, यहां पर देखो, यहां पर ये सेल देखो, ये लगभग ऐसा है और बीच में एक सेल में बाहर बना रहा हूं, ऐसा है और बीच में कुछ इस तरह का हॉलो मछली के मुंह की तरह लगभग, यहां पर देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो। तो फिश के माउथ की तरह अगर देखना जब लगेगा नॉर्मल सेल में, देखो यहाँ ये फिर नॉर्मल सेल, मैं इसको जूम कर देता हूँ ज्यादा तो अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट, यहाँ देखो नॉर्मली ये यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी भी है, तो नॉर्मल आरबीसी ये है, मैं ये भी ये नॉर्मल आरबीसी जो मैं रेड से कलर कर रहा हूँ ना, सबका सब क्या है नॉर्मल है, सबका सब क्या है नॉर्मल है ना। और मैं दूसरे कलर में फिर ले रहा हूँ, पिंक में मैं ले रहा हूँ जो कहीं ना कहीं स्टोमेटोसाइट्स में आ रहा है ना, मछली मछली के मुंह जो है उस तरह का कुछ यहाँ पर हॉलो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। जैसे ये चेंजेस आ गया फिश के माउथ के अपेयरेंस में, तो समझ लो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका स्टोमेटोसाइट्स है ना। अब ये क्या क्या कंडीशन है बेसिकली हम लोग देखते हैं, तो एसोसिएटेड पैथोलॉजी कब कब देखने को मिलेगा, तो ये लिवर डिजीज में देखने को मिलता है, हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस यानी जन्म से हेरिडिटरी 1-2 में देखने को मिलेगा, और कुछ न्यूबॉर्न्स में भी देखने को मिला, बट न्यूबॉर्न्स के अंदर भी देखने को मिला। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते दूसरे चीज अलग शेप में आते, बड़ा कॉमन है, बड़ा आसानी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर है ना, एक डिजीज है सिकल सेल, बड़ा सुना सुना सा नाम होगा सबका है ना, सिकल सेल एनीमिया, बड़ा कॉमन, बहुत ज्यादा आप पढ़े भी होंगे, कई बार सुने भी होंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नया ना। सिकल शेप मत इरेथ्रोसाइट हो जाएगा, इरेथ्रोसाइट का शेप इसमें पूरी तरह से हसुआ की तरह है ना, सिकल टाइप हो जाएगा लाइक दिस है ना, इस तरह से मुड़ जाएगा, अभी दिखेगा अभी आपको, सिकल सेल हो जाएगा, कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एस। जनरली मैं बताया था हीमोग्लोबिन पे अल्फा चैन और बीटा चैन होता है, तो उसी में उस जो प्रोटीन का जो हीमोग्लोबिन के अंदर में जो प्रोटीन है उसके अंदर जो चांस था उसी में चेंजेस आ जाता, तो सीधा कहता उसका नाम रखा जाता है हीमोग्लोबिन एस है ना। तो हीमोग्लोबिन एस नॉर्मली नहीं होता, और जब हीमोग्लोबिन एस जेनेटिकली डिसऑर्डर में जब प्रेजेंट होता है तो सेल जो है वो सिकल सेल बन जाता है, और इसे पॉलीमराइज द पार्टिसिपेट इन द मेम्ब्रेन, और ये बेसिकली देखने को मिलेगा, नाम ही है सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलेगा, और सिकल स्ट्रोक बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि ये सिकल स्ट्रोक कराता है, कब होता है कि अगर ये सिकल सेल बन जाता है तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि बाइकनकेविटी खत्म हो, ये देखो यहाँ पर शेप प्रॉपर दिख रहा है,
और ये एक्चुअली इस तरह का जो हो जाता है, ये सिकल शेप का हो गया, सिकल शेप हो गया, इधर नॉर्मल है, इधर फिर सिकल है, तो ये छोटे छोटे कैपिलरीज में जा करके वहां पर उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक में भी डेवलप्ड हो सकता है ना, तो सिकल स्ट्रोक में भी देखने को मिलेगा इसकी वजह से, है ना। अब उसके बाद आ जाओ दूसरा चीज हम लोग यहां पर देखते, है ना, हाँ, सीजोसाइट। सीजोसाइट क्या भाई? सीजोसाइट्स के अंदर में हम लोग ये देखते हैं कि आरबीसी का जो शेप है, सीजोसाइट्स के अंदर में आरबीसी का जो शेप है, फ्रेगमेंटेड इरिथ्रोसाइट्स ये है विदाउट द डिफाइन शेप, ये कंप्लीट सही से शेप को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, बट ऐसा लगता है कि आरबीसी जो है उसके अंदर में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आ गई है और वो कैसा था, फ्रेगमेंटेड हो चुका, टुकड़ा बेसिकली कह सकते, विदाउट द डेप्थ कोई प्रॉपर शेप नहीं हुआ, क्योंकि टुकड़ा कहीं से भी टूट सकता है ना, इसलिए कुछ अलग अलग देखने को भी यहाँ पे मिल रहा है आपको। एसोसिएट पैथोलॉजी कब कब ये देखने को मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं मैकेनिकल ट्रामा, कोई मैकेनिकल ट्रामा है आरबीसी के साथ, तो बर्न के केसे में ऑक्सीडाइजिंग मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवा जो कहीं से ऑक्सीडाइजेशन करा रहा है ना, क्या कहते हैं रॉस बना रहा है ना, उसमें अंदर जो फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन का वो बन रहा है उसके अंदर। आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व, अगर आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व अगर है पेशेंट्स के पास तो वैसे कंडीशन में देख सकते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। थ्रोम्बेटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये सब डिजीज का नाम है आपका ना, तो इससे आपको भी याद, इस सारे डिजीज में ये कहीं ना कहीं आरबीसी जो होगा वो फ्रेगमेंटेड दिखेगा, और फ्रेगमेंटेड कैसा दिखेगा ये देखो, देखिए यहां पर देखो आरबीसी का अगर, तो एक चीज मिनट बस, ये रहा, ये देखो आरबीसी यहां पर पूरा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यहां पे कट गया, यहां से ऐसे हो गया, ये हो गया एग्जैक्ट, में शेप ला दिया, ऊपर वाला को हटा दो, ये ला दिया, बट यहां पर देखो आरबीसी पूरा गोल है, तो यहां पर देखो आरबीसी का ये शेप है, ये शेप, तो एक्चुअली इसके अंदर में सीजोसाइट्स के अंदर में शेप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है, बट हाँ आरबीसी फ्रेगमेंटेड हो जाता है, आरबीसी क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेड हो, तो अलग अलग शेप थोड़ा बहुत लेगा ना, तो प्रॉपर शेप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाते, तो फ्रेगमेंटेड अगर आरबीसी दिख रहा है तो आपको सीधा सा सीधा एक लाइन में आपको बता देना कि ये क्या है, सीजोसाइट्स देखने को मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर एक और कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिसको हम लोग बोलते क्या, इकिनोसाइटोसिस, है ना, इकिनोसाइटोसिस एक और कंडीशन, इससे पहले जब आपको मैं यहाँ पर बताया था, यहाँ पर याद हो, एकेंथोसाइटोसिस याद रखो, या ए से एकेंथोसाइटोसिस, और एक कंडीशन में अभी आपको बताने जो जा रहा हूं इकिनोसाइटोसिस, है ना, एकेंथोसाइट दोनों सिमिलरिटी रखता है, लेकिन मैं उस समय बताया था कि जो स्पाइंस के ऊपर बाहर की तरफ होता है वो हमें देखना है कौन बड़ा बड़ा सा है या छोटा छोटा सा है, है ना, एक जैसा है या बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो एकेंथोसाइटोसिस में आरबीसी के बाहर जो स्पाइन होगा, आरबीसी मेम्ब्रेन में जो इरेगुलरिटी आएगी वो लगभग बराबर का आएगा ना, तो दे हैव अ इरेगुलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इरेगुलर होगा, स्पाइक रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पाइक होगा वो रेगुलर इसके अंदर में देखने को मिलेगा, इन विट्रो कैन बी इन आर्टिफैक्ट्स बेसिकली, है ना। अब यहां पर देखो इस कौन कौन से बीमारी में आएगा, एसोसिएटेड पैथोलॉजी लीवर पैथोलॉजी, देखो लीवर का बड़ा रोल है, इसलिए लीवर के डिसऑर्डर्स में आप जब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बेसिकली आप कराओ, माइक्रोस्कोपी कराओ, तो कुछ ना कुछ आएगा फाइंडिंग, है ना, तो लीवर बहुत से एसोसिएटेड, इसलिए ये कभी भी लीवर से एसोसिएट अगर बीमारी है, लीवर का आपको लग रहा सस्पेक्टेड है, तो ये सारा टेस्ट में कुछ भी आप कराओ, है ना, क्या कहते हैं आरबीसी का इस सारा टेस्ट आपको थोड़ी करना, आपको सीधा सा लिखना भाई पैकुलोसिस के लिए माइक्रो क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसमें देखना जो देख के बताएंगे, ठीक है, तो उसमें देखना मिलता है लीवर डिजीज में देखना। हाइपोथायरॉइडिज्म के देखने को मिलता है, रीनल इफिशिएंसी यानी किडनी में कुछ कमी होने लगी, ब्लड का परफ्यूजन सही से होता तब देखने को मिलता है, सीवियर बर्न तेजी बहुत खतरनाक वाला जल गया तो, और किसी को ब्लड ट्रांसफर, देखो ब्लड अगर ट्रांसफर अभी पहले ब्लड ट्रांसफर बड़ा कॉमन पर, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर कोई दिक्कत आएंगी तो उस टाइम पे ये चीजें देखने को मिलता है, उसके पीछे भी रीजन है अलग अलग सेल के आते हैं, हम जो दिए वो कुछ और आया बाहर वाले का कुछ, थोड़ा तो चीज होता है जिसकी वजह से कुछ कुछ चेंजेस आ जाता है उस टाइम पे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सेल में अंदर में फंडिंग जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, देखो आरबीसी आपको खुद दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इससे स्पाइक जो है वो बहुत एक जैसा छोटा 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 है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग आते, अगली चीजों को हम लोग देखते, और ये हमारा लगभग लगभग आज के क्लास का लास्ट स्लाइड होगा, है ना,
तो नहीं, अभी कहता बाइट सील, देखो नाम ही लिखा हुआ बाइट। अब जैसे एक बिस्किट का टुकड़ा तुम्हारे पास है और एक बाइट उसमें से ले लो, तो बिस्किट का शेप क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। तो कह रहा दे हैव अ अल्टरेशन इन द मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, अब यहां से ऐसे टुकड़ा हो गया, कट गया, मान लो ऐसा कुछ कट गया, है ना। तो बेसिकली इसको हम बाइट सेल कह सकते। तो इसमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि मेम्ब्रेन जो है ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ हेन्स बॉडीज। ये देखो हेन्स बॉडीज क्या होता है, जनरली हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो जब वो डीनेचर होता है तो उसके प्रिसिपिटेट होने के वजह से सेल मेम्ब्रेन में एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से स्पॉट लाइक कुछ स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम लोग ये नॉर्मली बनता रहता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हेन्स बॉडी। हेन्स बॉडीज क्या है, हेन्स बॉडीज इज अ बेसिकली एक तरह का कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन है, और जब वो हीमोग्लोबिन प्रिसिपिटेट कर जाता है ड्यू टू द डीनेचुरेशन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो डीनेचुरेशन अगर जब भी हुआ तो वो हिंज बॉडी मेम्ब्रेन वगैरह में आ जाए। अब यही कह रहा है जब कोई हिंज बॉडी एलिमिनेट होता है या कोई मैक्रोफेज जाकर के इसको हिंज बॉडी को बाइट कर जाएगा, यहाँ पे हिंज बॉडी है इसको जाके बाइट कर गया, तो इसके वजह से क्या लगा, यहाँ से टुकड़ा बन गया सेल का, यहाँ से क्या बन गया, टुकड़ा बन गया। तो ये बेसिकली बाइट्स का मतलब ये होता है मैक्रोफेज, है ना, करेक्टर वाइज ऑक्सीडेटिव हिमोलाइसिस मेम्ब्रेन। अब ये एसोसिएट डिजीज में तो एक आता है G6PD, है ना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम्स है, इसकी अगर कमी हो गई तो, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है आरबीसी को डैमेज होने से बचा के रखता है और आरबीसी को प्रीमैच्योर डैमेज वैसे कह सकते हैं स्पेशली उस चीज से बहुत बचा के रखता है, तो इसलिए ये एंजाइम का बहुत बड़ा रोल, अगर ये नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी होगी तो इस तरह के देखने को मिल जाए, कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया तो इस तरह को दिख रहे, माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया। देखो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा और एंजियो मतलब वेसल, जब छोटे छोटे वेसल्स में जा करके, बहुत छोटा छोटा वेसल्स में जा करके अगर क्या कहते हैं कि आरबीसी टूट जा रहा है और इसके से ज्यादातर ये हो रहा तो एनीमिया हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया होगा उस कंडीशन में। ऑक्सीडेटिव हिमोलाइसिस क्या, नहीं ऑक्सीजन, देखो एक चीज बड़ा कॉमन बता रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन एक तरह से क्या लाइफ लाइन है, एक तरह का जिंदगी बचाती है वो, डेफिनेटली ये चीज है, लेकिन आपको एक्सेसिव, आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट, आप खूब जबरदस्त जबरदस्त उसको खूब ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा तो एक्सेसिव ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल्स बनता है ना, हम लोग देखते तो उस क्या कहते हैं फ्री रेडिकल वो कहीं ना कहीं आपके ही सेल को डैमेज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या कहते हैं कि आरबीसी तो ऑक्सीजन से अटैच है क्योंकि हीमोग्लोबिन आएगा, तो एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर देता है और जिसके वजह से सेल को ब्रेक करा देगा। तो वैसे कंडीशन में भी ये फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी यहाँ पर देख रखते हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेल में बाइट हो गया, किसी ने एक बाइट बिस्किट था छोटा सा टुकड़ा बना के यहाँ से खा गया, है ना, ये सेल के अंदर भी देख रहे होंगे, तो बाइट सेल हम कहते हैं, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है बाइट सेल, है ना, यहाँ पे तो बाइट सेल हो गया ये। बाइट सेल के बाद हम लोग आते हैं एक कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेस्ट, अच्छा वो वेस्ट टू रिपोर्ट्स पे हम लोग पहले आने से पहले यहाँ पर एक चीज और मैं बता ही देता हूँ, फिर में पिंचेड एक वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक और शेप है, है ना, पिंचेड हिमाटियाज। पिंचेड हिमाटियाज क्या भाई, तो दे आर कंसिडर अ सिनोनिमस विद द सिस्टोसाइटोसिस, जो अभी हम लोग बात की हुई सिस्टोसाइटोसिस लगभग लगभग उससे अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ जो डिसऑर्डर्स है बेसिकली पिंचेड मतलब एक जगह प्रॉपरली पिंच्ड हो जाएगा, ये लाइक इस तरह का शेप बन रहा है, लाइक इस तरह से कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये ऐसे, है ना, इस तरह से लगभग समझ लो एक जो मशरूम देखे हो ना, लगभग मशरूम की तरह एक शेप बनना स्टार्ट कर जाएगा, जो यहाँ पर मैं बड़ा करके मैं दिखाऊंगा पिंचेड, है ना, पिंचेड हिमेटियस। ये कॉमनली देखो मैं पहले दिखाई देता हूँ, ये देखो ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसा लग रहा कोई मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर, जो आपको समझने का ये लाइक दिस, ये एक मिनट इसका आउटलाइनिंग मैं इसलिए कर देता हूं ताकि आप लोग को समझना आसान हो जाएगा। ये तो ये पिंचेड हिमेटियाज स्ट्रक्चर होगा, ये कब कब दिखेगा, बड़ा कॉमन सा डिजीज जो हम लोगों के बीच आके जा चुका और अभी भी है, SARS-CoV-2 बेसिकली क्या कहते हैं SARS-CoV-2 यानी COVID-2 बेसिकली जो प्रोफेशन उसके इन्फेक्शन की वजह से, यानी कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में देखने को, डिसेमिनेट इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन और हीमोलाइसिस इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव ड्रग। अब इन सारे चीजों में चीज में बता रहा हूँ कि ये सारा चीज आप कर लेंगे, अब आप देख भी लिया ढूंढ भी लिया रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जैसे कि मैं अभी बताया था एकेंथोसाइट्स, एकेंथोसाइट्स में अभी बताया था आपको याद होगा कि इसके अंदर में स्पाइक जो होता है वो इरेगुलरिटी देख, एकेंथोसाइट इरेगुलर मेम्ब्रेन विद इरेगुलर स्पाइक, यानी आप ये समझो कि एक एबनॉर्मल। मैं एक एग्जांपल लिया हूं, किसी को भी ले लो, कोडोसाइट्स को ले लो, सिकल सेल को ले लो, स्फेरोसाइटिस को ले लो, किसी को भी ले लो, आप हमें रिपोर्ट कैसे बनाना है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह हमारे पास रिपोर्ट बन के आएगा तो हम क्या समझेंगे उसके अंदर में, क्योंकि रिपोर्ट जो होगा वो कुछ इस तरह का रहेगा हमारे पास, है ना। ये आपका सबसे कंक्लूजन, आज पूरे क्लास का कंक्लूजन सही, किसी भी है ना पाइक्लोसाइटोसिस के अंदर में कभी भी एबनॉर्मल सेल्स ऑफ आरबीसी जब आ रही है, आरबीसी का एबनॉर्मलिटी होगा तो अलग अलग मैंने आपको बताया, वो सिकल सेल हो सकता है, वो क्या कह सकते हैं कि एकेंथोसाइटोसिस हो सकता है, वो स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है, वो पिंजेड सेल्स हो सकता है, वो कुछ भी एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, तो उसमें रिपोर्ट क्या बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया एकेंथोसाइटोसिस, जिसमें मैंने आपको बता चुका है कि आरबीसी के स्पाइन स्पाइक स्पाइन की तरफ बड़े छोटे बड़े छोटे स्पाइन सेल में देखने को। अब हमको एक स्लाइड जो हमने लिया उस पर कितना दिखा, थोड़ा बहुत अगर दिखा तो सिर्फ प्लस का साइन लगाएंगे, हमारे पास रिपोर्ट सिर्फ प्लस लगा हुआ मतलब थोड़ा बहुत सेल है। अगर प्लस प्लस दो प्लस अगर हम लगा देंगे तो ये थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा से बेसिकली कह सकते हैं कि ये ज्यादा है, तो सम एकेंथोसाइट्स कह सकते हैं या माइल्ड या मॉडरेट कह सकते हैं, यहाँ पर माइल्ड मॉडरेट भी कह सकते हैं। पहला फर्स्ट प्लस लगेगा, सिर्फ लगा हुआ रहेगा, कम दिखेगा हमको तो थोड़ा बहुत दिखा, एक आध दो पांच दिख रहा है एक स्लाइड पर तो चलेगा। फिर उससे ज्यादा अगर दिख रहा है तो डबल प्लस लगाएंगे, और उससे भी ज्यादा तो ट्रिपल प्लस। ट्रिपल प्लस का मतलब हो गया कि सीवियरली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग जितने भी न्यूमरस एकेंथोसाइटोस, तो जब डबल प्लस ट्रिपल प्लस और सिंगल प्लस हम रिपोर्ट बनाएंगे तो जैसा देखिएगा उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। हमारे पास अगर रिपोर्ट आ रहा तो हम उस हिसाब से सीरियसनेस होंगे, पेशेंट के कंसर्न होंगे, पेशेंट के ले करके कि भाई अच्छा थोड़ा बहुत अभी है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो अच्छा डबल प्लस है तो ज्यादा है, ट्रिपल प्लस और एक का मतलब एक्सेसिव है इसके अंदर में। तो ये आज का जो आपका पूरा कंक्लूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप लोग डेफिनेटली अभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर दे, और मैं अगले दिन अगली क्लास में फिर से हम लोग कल के डे फोर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से हमें क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन आ कहाँ रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि एकेंथोसाइटोसिस और इचिनोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज तो एकेंथोसाइटोसिस जो हम तुम्हें बताए थे, यहां पर देखो मैं आ रहा हूं वहीं पे लेकर के, इचिनोसाइटोसिस और ये पहले इचिनोसाइटोसिस हो गया और एकेंथोसाइटोसिस, इस दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का होता है। मैं यहीं पे चलो रख के हम बता देते हैं, फर्क एक ही चीज का होता है, सिर्फ मैं डायग्राम बना ले रहा हूं कि मान लो इस दोनों में सेल मेम्ब्रेन जो है ये आरबीसी है, मान लो ये आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये एकेंथोसाइट्स है, ये मान लो इकिनोसाइट्स है। एकेंथोसाइट में इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन में इरेगुलरिटी, कोई बड़ा होगा कोई छोटा, यानी मेम्ब्रेन है ये, एक्चुअली मेम्ब्रेन का इरेगुलरिटी होगा तो कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बहुत बड़ा कोई बहुत छोटा, इरेगुलरिटी इरेगुलर। यहाँ पे जो इसके अंदर स्पाइक तुमको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप में, तुम जब देखोगे तो एक जो भी इसके ऊपर स्पाइक या स्पाइन जो भी देखने को मिलेगा इचिनोसाइटोसिस में एक जैसा मिलेगा, लगभग बराबर देखने को, ये दोनों फर्क है दोनों के फीचर्स में। और कोई क्वेश्चन किसी का, क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, मजे कीजिए, खाइए खाना पीना, सो जाइए, फिर कल हम लोग 9 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।